छपरी घमंडी क्या क्या नहीं बोला गया है हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को। ईशान किशन के हेयर स्टाइल को देखकर छपरी कहा गया और हार्दिक पांड्या का बल्लेबाजी स्टाइल देखकर उन्हें घमंडी कहा गया। लेकिन आज जब टीम इंडिया संकट में थी तो टीम इंडिया के लिए यह दोनों खिलाड़ी संकट मोचन बने और सभी को करारा जवाब दिए। तो क्या है पूरी खबर, इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो बात करें आज खेला जा रहा जो मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का, यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो चला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें टीम इंडिया का शुरुआत बेहद ही खराब रहा क्योंकि टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर सभी बोल्ड हो गए। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली हो या फिर शुभमन गिल हो या फिर रोहित शर्मा, जी हाँ दोस्तों यह तीनों खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हुए। रोहित शर्मा और विराट कोहली के शाइन साहब अफरीदी आउट किए, तो वहीं बता दें कि शुभमन गिल को हारिस रऊफ ने आउट किया। तो ऐसे में टीम इंडिया बेहद ही मुश्किल में थी और उस वक्त बल्लेबाजी करने आई टीम इंडिया के तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और हार्दिक पांड्या। और बता दें क्या कमाल के बल्लेबाजी की इनके दोनों के बीच 130 प्लस का साझेदारी हुआ, जिसे टीम इंडिया एक बेहतर स्थिति में पहुंच गई। यह दोस्तों बता, जहां हार्दिक पांड्या ने शानदार 87 रन बनाए 90 बॉलों में, तो वहीं ईशान किशन ने 82 रन बनाए 81 बॉलों में। यह दोस्तों बता दें कि इसके दम पर टीम इंडिया 266 रन बना सकी और टीम इंडिया अब एक लड़ने लायक स्कोर हो चला है। बता दें टीम इंडिया के लिए यह स्कोर ठीक ठाक है क्योंकि विकेट थोड़ा मुश्किल है, जहां पर बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा, ऐसे में पाकिस्तानियों के लिए भी आसान नहीं रहने वाला है यह रन चेस। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ईशान किशन का यह पारी कैसा लगा, हार्दिक पांड्या का भी यह पारी कैसा था, दोनों ने मिलकर कमाल की पारी खेली? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इनका पारी कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।